हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल, और इसके लिए लिया है मैंने एक पाव और एक कटोरी मैदा लिया है, दो कटोरी यहाँ पे मैदा लिया है मैंने। अब इसको छान लेंगे। अब मैदा मैंने छान लिया है, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच ऑयल, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम नमक। अब इसको हम गूंद के रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और इसको गूंद के रख लेंगे। अब मैंने मैदा गूंद के रख लिया है, इसका सॉफ्ट आटा गूंद के रख लिया है, इसको ढक के रख देंगे। और अब हम बनाएंगे स्टफिंग। अब मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, इसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल, ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन, इसको हमें भून लेना है। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, प्याज मैंने लंबा लंबा करके काट लिया है, अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च, जो भी लंबी लंबी करके मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, गाजर, सब्जियों को हमें कच्चा कच्चा ही रखना है, थोड़ी देर ही इनको पकाना है। गोभी हम थोड़ी देर बाद इसमें डालेंगे। अब इसमें डाल देते हैं पत्ता गोभी, जो कि लंबी लंबी करके काटी है मैंने। अब इसमें डाल देते हैं हम नमक, स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे नमक। सॉस डालेंगे एक चम्मच, रेड चिली सॉस में डालेंगे एक चम्मच, ये सॉस भी हम एक चम्मच इसमें डाल देंगे। और इन सबको हम मिला लेंगे। इसमें मिला देंगे हम काली मिर्च, मिक्स कर लेंगे सब्जियां सारी, और इस गैस कर देंगे हम बंद, इसको ठंडा होने देंगे स्टफिंग को। चकला बेलन लेंगे और अब हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे पेड़े। छोटे पेड़े बना के रख लिए हैं। अब इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और इसको पतला पतला करके हम बेल लेंगे। और हम इसकी पतली रोटी बेल लेंगे। अब हम ले लेंगे एक प्लेट और उसमें सारी रोटी ये पतली पतली करके बेलते हुए रखते जाएंगे।
अब मैंने ये पतली पतली रोटियां सब बेल के रख ली हैं। अब इनको हम हल्के तवे पे गरम करेंगे और कच्चा कच्चा ही इन्हें इनको रखना है। हमें इनको सेकना है, जरा सा कलर इनका चेंज हो जाए। सारी रोटियां हम ऐसे ही सेक के रख लेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब दूसरी रोटी हम तवे पे डालेंगे। अब ये सारी सीट बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इनको रख देते हैं हम साइड में। अब हम लेंगे 1 चम्मच मैदा और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। जब हम स्प्रिंग रोल भरेंगे तो उसको चिपकाने के लिए हम इसका पेस्ट बना रहे हैं। इस तरीके से हमें गाढ़ा इसका पेस्ट बनाना है। अब हम एक एक सीड लेते जाएंगे और इसमें स्टफिंग रखते जाएंगे। हमें ये पेस्ट इस तरफ लगा लेना है। हमें दोनों तरफ से इस तरीके से हमें ये फोल्ड कर लेना है। और हमको अब धीरे धीरे इसको रैप करना है। हम और इसमें लगा लेंगे ये पेस्ट ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। अब ये स्प्रिंग रोल बनके तैयार है। इसी तरीके से हम सारी सीट सारे स्प्रिंग रोल बना के रख लेंगे। अभी मैंने स्प्रिंग रोल भर के रख लिए हैं। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। घी गर्म हो चुका है। धीरे धीरे ही हम इनको फ्राई करेंगे। अब ये रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।